सब्सक्राइब करिए टेकिया से यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आप रेडमी नोट 5 प्रो यूज़र हो? तो गाइस, मुझे पता है कि आप सब यहां पर ओरियो अपडेट का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। गाइस, फाइनली यहां पर नोट 5 प्रो के लिए ओरियो अपडेट आ चुका है। इनफैक्ट मेरे डिवाइस में OTA के थ्रू यहां पर ओरियो का अपडेट आ चुका है और MIUI 9.5.17 का अपडेट आ चुका है जो कि सबसे लेटेस्ट है। तो क्या कुछ आपको यहां पर नया देखने को मिलता है, क्या बग्स फिक्स हुए, फोकसिंग इश्यू सही हुआ या नहीं हुआ है, या आप बोल सकते हो डुअल वोल्टेज सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ है, और जितनी भी चीज़ें चेंज हुई है आज की इस वीडियो में उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, फाइनली यहां पर ओरियो के थ्रू मुझे ओरियो अपडेट आ चुका है रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मुझे ओरियो अपडेट मतलब जो 9.5.17 है वो मिला कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरा सबसे पहले जो था वो कुछ इस तरीके का था। अभी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा पहले का जो वर्जन था एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1 था, और जो सिक्योरिटी पैच था वो 1 अप्रैल का था, और जो MIUI वर्जन था वो 9.2.13 पे रन कर रहा था। और साथ में उसके बाद अपडेट, मुझे जो पहला अपडेट आया था वो आया था यहाँ पर 9.5.14 का, 1.5 GB का अपडेट था। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो क्या कुछ चेंज हुआ था। आप बोल सकते हो यहाँ पर ओरियो 8.1 का था, साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्टिमाइज हुआ था डुअल 4G वोल्टी का, और साथ में MIUI 9.5 का अपडेट आया था। और भी बग्स है वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फिक्स हुआ है। उसके बाद में मैंने अपडेट इसे कर दिया था। तो अपडेट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर मेरा कुछ सेटिंग्स पैनल इस तरीके का देखने को मिल रहा था 9.5.17 का, और जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच था पहले अप्रैल का था, देन उसके बाद में मे का हो चुका था। फिर जैसे ही मैंने ये अपडेट करा उसके बाद में मुझे बहुत ही जल्दी एक और एक अपडेट आ गया 9.5.17 का। ये 362 MB का था, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस ऑफ फिक्स बग्स करा हुआ है। तो ये मैंने अपडेट करा था। तो अपडेट करने के बाद यहाँ पर अभी फिलहाल मेरी करंट स्क्रीन ऐसी दिखती है, यहां पर ओरियो 8.1 ही है, साथ में जो सिक्योरिटी पैच है यहां पर ये मुझे 1 जून का मिल चुका है। तो ये बहुत ही कमाल की बात है कि Xiaomi यहां पर सिक्योरिटी पैच पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रहा है और अपडेट दे रहा है, और यहां पर 9.5.14 के बाद 9.5.17 का अपडेट मुझे मिल चुका है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। अब मैं सीधा आपको सेटिंग्स पे ले जाके भी बता देता हूं एक बार यहां पर अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो 9.5.17 पे यहां पर रन कर रहा है। अब यहां पर जो चेंजेस हुए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले चेंज की बात करें जो कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था नोट 5 प्रो के लिए स्पेशली, वो है यहां पर इसका फुल स्क्रीन गेस्चर। पहले की बात करें तो पहले फुल स्क्रीन गेस्चर नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हो ये पहले ऑप्शन आपको नोट 5 प्रो में नहीं आ रहा था 9.2 पे, तो ये अनेबल कर दिया और बहुत ही कमाल की तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आप होल्ड करोगे तो आप ऐसा मल्टीटास्किंग है, यहाँ पर बैक करोगे यहाँ से आप बैक कर सकते हो, साइड से अगर आपको बैक करना है तो आप अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में हो यहाँ से आपको सिर्फ यहाँ से आपको स्लाइड कर देना है और बैक हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर सेकंड जो है सबसे बड़ा, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि डुअल वोल्टी का अपडेट कब आएगा, तो भाई आपको 9.5 के साथ में यहाँ पर आपको मिल चुका है। यहाँ पर जैसे ही मैं जाऊँगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में, तो जैसे कि आप देख सकते हो डुअल 4G वोल्टी का यहाँ पर आपकी दोनों सिम में आप जियो सिम चला सकते हो, ये भी बहुत ही कमाल का लगा। अब यहाँ पर कैमराज की बात कर लेते हैं, तो कैमरे में कुछ फोकसिंग इशू बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे, साथ में मैंने भी टेस्ट करा था तो कुछ फोकसिंग का इशू आ रहा था, बट अभी मैंने यहाँ पर देखा तो जो फोकसिंग का इशू था वो चला गया है बिल्कुल से, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे आ रहा था अभी बिल्कुल से यहाँ पर जो फोकसिंग का इशू है वो बिल्कुल से आप बोल सकते हो चला गया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि Xiaomi यहाँ पर ध्यान दे रहा है, लोगों के जो बग्स यहाँ पर लोग यहाँ पर जो उसके कमेंट करके बता रहे उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, टाइम लग गया थोड़ा अपडेट में, बट फिर भी यहाँ पर जितने भी बग्स थे यहाँ पर Xiaomi ने क्लियर कर दिए। और एक और एक चीज़ मुझे आपको बताना था कि यहाँ पर जो 9.5.17 स्पेशली बात करो, जो यहाँ पर जो स्पीड है जो डिवाइस की वो बहुत ही फ्लूइड और आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही कमाल की स्पीड आपको देखने को मिल रही है। तो अगर अभी तक आपको 9.5 का अपडेट नहीं मिला है तो भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको 9.5.17 का अपडेट उसके बाद में ही मिल जाएगा जैसे कि मुझे मिला था। तो गाइस, आई होप कि मेरी तरफ से आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।